राधे राधे दोस्तों, बबीता जी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको उबला हुआ चना दाल से पूरी बना के दिखाएंगे। सबसे पहले अदरक को, आधा अदरक, कच्चा मिर्ची और लहसुन प्याज आधा, सभी को कूट लेंगे। अच्छा से कूट लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। जब ये पेस्ट बन जाए, एक कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों तेल डाल के उसमें जीरा और सूखा मिर्ची का तड़का लगा देंगे और तेज़पत्ता भी रख देंगे। इधर कुटा हुआ प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट मिला देंगे। अच्छा से इसको भून लेंगे। फिर इसमें उबला हुआ चना दाल डाल देंगे। एक चम्मच नमक डाल देंगे अपने स्वाद अनुसार। डाल के इसे अच्छा से भूनेंगे जब तक कि इससे पानी ना सूख जाए। फिर 1 चम्मच मिक्स मसाला डाल देंगे। डाल के इसे अच्छा से भूनेंगे। अच्छा से चना दाल भून के तैयार है। इधर आटा में दो चम्मच रिफाइन नमक डाल के अच्छा से आटा को सानेंगे। फिर इसमें लोई बना के इसमें सारा लोई बना के इसमें चना दाल को भर देंगे। देखिए अच्छा से सब भर गया है। इधर कढ़ाई में रिफाइन डाल के सभी को फ्राई कर लेंगे। अच्छा से उलट पलट लेंगे जब ये ब्राउन हो जाए तो। फिर इसे जब अच्छा से फूल जाए इसे निकाल लेंगे। देखिए चना दाल की पूरी बन के तैयार है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।